नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेटिंग तालुक में। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि 22 मार्च को प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ एग्जाम। इस परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण हम लोगों को खबर मिल रही है। खबर यह है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ना केवल इसी परीक्षा को स्थगित किया गया बल्कि सभी तरह की परीक्षाओं को 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल अब ये परीक्षाएं अगले आदेश तक आपकी स्थगित है। ऐसी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, हम एक जिम्मेदार संस्थान है। अभी तक बहुत सारे संस्थान आपके लिए वीडियो बनाते थे, लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज हमें नहीं मिलेगी, हम कभी भी इस प्रकार की जानकारियां आपको नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक मीटिंग की, उसमें प्रदेश सरकार के लगभग सभी मंत्री उसमें थे, और उस मीटिंग से जो सार निकला, उस सार को श्रीकांत शर्मा जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ किया। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी तरह की एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से, ये निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। आयोग द्वारा अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से शाम तक आयोग का भी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगा और इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा अगर नाम लिया गया है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ही आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी आती है। आप यूट्यूब पर उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देख सकते हैं। तो हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपसे कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है कि सभी तरह की परीक्षाएं, चाहे वो माध्यमिक से संबंधित हो, चाहे वो जूनियर से संबंधित हो, कोरोना वायरस के चलते उनको स्थगित किया गया है और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया है। कोरोना वायरस एक जो है खतरनाक महामारी के रूप में फैल रहा है, इससे आप लोग भी सुरक्षित रहे, आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रहे, और जो भी उपाय मीडिया सरकार द्वारा या स्वयं आपको बताए जा रहे हैं, जो आपके संज्ञान में है, आप बराबर उनको करते रहें, जिससे कि हम इस खतरनाक वायरस के प्रसार को रोक सके और जन सामान्य बहुत सुरक्षित रहे। सामूहिक प्रभाव के सभी संस्थानों को यहाँ पे बंद किया गया है। जहां जहां मास गैदरिंग आपकी होती है, चाहे वो सिनेमाघर हो, चाहे वो सार्वजनिक कोई भी स्थान हो, आपके रेस्टोरेंट हो, उन सभी को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। तो ये एहतियातन एक जानकारी है, शाम तक इस जानकारी की पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि अगर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कैंसिल करने की बात हुई है तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी आपकी निश्चित रूप से कैंसिल है। फिर भी 2 घंटे का इंतजार करिए, 2 घंटे में और भी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। यहीं पर मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि घर में बैठ के पढ़ाई करने का यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा समय है। आप कहीं भी बाहर मत निकलिए, घर में आप अपना मोबाइल उठाइए। टारगेट में तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से आपके साथ है। हम खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए भी दिन रात एक किए हुए थे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो, चाहे वो मैराथन क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो डाउट सेशन के माध्यम से, चाहे आपके रिविजन के माध्यम से हो। यह जो 30-35 दिन का फेज आपको मिला है इस वायरस के चलते, तो पढ़ाई लिखाई आपकी इसमें कभी भी जाया नहीं होनी चाहिए। अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से, अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह आपके साथ है और हम लगातार आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां, पढ़ाई लिखाई की सामग्री प्रदान करते रहेंगे। इसी क्रम में जुलाई में आयोजित होने वाले सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा 2020 के लिए हमारे बैच का प्रारंभ 20 तारीख से हो रहा है। कल से हम लोग सीटेट से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारियां देने आपको प्रारंभ कर देंगे। तो घर में बैठ के आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। जो भी लोग बीओ से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग लगातार सामग्रियां देते रहेंगे। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और इस कोरोना वायरस से लड़ने में प्रदेश और देश की मदद करें। स्वयं सुरक्षित रहेंगे, निश्चित रूप से आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे तो हम बहुत सुरक्षित रहेंगे और बहुत स्वस्थ रहेंगे। चलिए, इसी संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।